राजस्थान बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो में एक जनसभा से निकलती भीड़ को देखा जा रहा था। बीजेपी प्रत्याशी ने उस वीडियो को शेयर करते हुए ऐसा दिखाया कि भीड़ उनकी रैली में आई थी। किन्हीं वजहों से हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन लोगों ने इस वीडियो को फेक बताया है। सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भी इस वीडियो को फेक बताया और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वैभव गहलोत ने लिखा, आदरणीय लुम्बाराम जी, ये वीडियो 2019 में हुई कांग्रेस की रैली का है। संभवतः आज बीजेपी की रैली में अपेक्षित जनता नहीं आई होगी, इसीलिए आपको पुराने वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ा। वीडियो का लिंक आपकी जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं। लुम्बाराम पर तंज कसते हुए वैभव गहलोत ने वीडियो का लिंक भी शेयर किया और इन सभी कन्फ्यूजन्स के बाद News24 इस वीडियो की पड़ताल में जुट गया। वीडियो के कीवर्ड्स रिवर्स करने के बाद पता चला कि ये वीडियो 4 साल पहले SVG CSO ने अपलोड किया था। आपको बता दें कि SVG CSO एक YouTube चैनल है और उनके पेज पर ये सेम वीडियो नजर आया, जिसके बाद साफ हो गया कि ये वीडियो बीजेपी की रैली का नहीं बल्कि कांग्रेस की रैली का है। आपको बता दें कि लुम्बाराम ने अपने सोशल मीडिया से इस वीडियो को डिलीट कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जालौर लोकसभा सीट बीजेपी ने लुम्बाराम को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी के साथ जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत मैदान में है। वैभव राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। आपको बता दें कि यहां से कुल 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।